दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे व्यापार मेले 2012 में हरियाणा मंडप में तैरते पत्थर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अमित साइंटिफिक ट्रेडर्स के प्रतिनिधि अमित जैन ने दर्शकों को बताया कि ये पत्थर बहुत ही दुर्लभ हैं, जो भारत में केवल रामेश्वर में मिलता है और भारत के बाहर केवल तुर्की में पाए जाते हैं। हेलो अमित जी, आपने जो ये प्रगति मैदान की जो एग्जीबिशन में तैरने वाले पत्थर के नाम से आज ये स्टोन दिखाया है, तो इसका क्या मैसेज है? पहले पब्लिक में नहीं आया, मतलब अवेयर करने के लिए क्या कुछ है? सर, मेरा मेन मकसद यहाँ पे पानी में पत्थर तैराना या हवा में पत्थर लचकाना नहीं है। मेरा मेन मकसद है मिनरल्स के प्रति अवेयर कराना, ताकि स्टूडेंट्स मिनरल्स के प्रति अवेयर हो सके, उनको पत्थर का ज्ञान हो सके, वो पत्थर के बारे में पहचान कर सके और वो पढ़ सके और सीख जाए। इसे तैरने वाले के पीछे क्या रीजन है? सर, ये तैरने वाला एक पत्थर है, जियोलॉजिकल नेम है इसका प्यूमिस, इसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, वोल्केनिक रॉक बोलते हैं। ये पानी में वजन से हल्का है, इसकी जो डेंसिटी होती है पानी से हल्की है, इसलिए पानी में तैरता है। पोरस है, मतलब इसमें छिद्र है, इसलिए पानी में तैर रहा है। अच्छा, पौराणिक कथाओं से अगर जोड़ के देखा जाए तो कहते हैं कि जो श्रीलंका पे जो पुल बनाया था श्री रामचंद्र जी के टाइम पे, तो उसका भी कुछ इसी पत्थर से कनेक्टिविटी तो नहीं है? कनेक्टिविटी हो सकती है सर, कोई भी चीज पानी से हल्की होगी वो पानी में तैरेगी ही तैरेगी। उस टाइम पे भी ये पत्थर अवेलेबल थे, आज भी अवेलेबल है। क्योंकि पीछे कुछ लोगों का मेथोलॉजी ये रही है कि मतलब जो ऐसा कोई पत्थर नहीं जो तैरे, लेकिन जो ये कुछ है, कहते हैं कि जो समुद्री जो बबल्स हैं वो आपस में कंकन सॉकर के इतना गहरा हो जाता है कि उसको पत्थर की शेप ले लेता है। सर, ये इसका जो फॉर्मेशन है वो भी एक रॉक है, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटती है, धरती में से जब लावा और पत्थर निकलते हैं, जब वो इतने गर्म हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, तो वो जब समुद्र के पानी में जाते हैं तो उसके अंदर एयर बबल्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो इस कारण ये पत्थर की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, जो स्टोन्स के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं, क्या कोई आपका एनजीओ है या मतलब कोई आपका कैसा? हमारा एक फर्म है, हम साइंटिफिक ट्रेडर्स अम्बाला कैंट में, तो हम सर मेन पर्पज हमारा स्टूडेंट्स के अवेयरनेस के लिए किट्स बनाना है। हम 46 टाइप्स की 46 तरह की किट्स बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स अवेयर हो सके। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमें किसी को लकड़ी के बारे में बताना है, डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास 12 वुड्स का एक ये शोकेस है, उसको बताना है कैल, पड़तल, कपूर, मैंगो, उसे 12 तरह की लकड़ियां बता दी, पर 12 तरह की लकड़ियों का एक एग्जांपल अगर हम यहां पे उसको दिखा देंगे स्टूडेंट्स को, तो वो इस लकड़ी के प्रति भी अवेयर हो जाएगा। हमारे पास प्लास्टिक, मेटल्स, अर्थी मिनरल्स, मेटल एंड अलॉयज, अलॉयज, इस तरह की प्रकार की 46 किटें बनती हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टी की किटें, अलग अलग प्रकार के फाइबर्स की किटें, इस ये हमारे फॉर्मेशंस में आती है। एजुकेशन लाइन के लिए काम करते हैं? हाँ सर, मेरा मेन मोटिव है जो स्टूडेंट्स के एजुकेशन पर्पस के लिए किटें बनाना ही है। जो कुछ चीजें हमारे सामने होती है उनकी पहचान नहीं होने के कारण जो अनभिज्ञता रहती है, उसके बारे में आपका अवेयरनेस का ये मोटिव है। इंडिया में जो प्रैक्टिकल्स की कमी है, मेन हमारे इंडिया में क्या है, थ्योरी से बच्चे को पास कर दिया जाता है, थ्योरी करा दी जाती है, उसे प्रैक्टिकल नहीं करा जाता। अभी आप 6th एंड 7th के स्टूडेंट्स के लिए पूछे, उसे इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, पर उन्हें क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती, उन्हें पहचान नहीं कराई जाती, तो वो पहचान कराने के लिए ही किटे अगर उनको प्रोवाइड की जाए तभी वो उसके यूसेज यूज आगे फर्दर इंडस्ट्री में यूज कर पाएंगे या अपने जीवन में यूज कर पाएंगे। ऐसी कुछ विडम्बना हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में भी है कि औषधियां तो सभी अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ कारणों से उनकी जानकारी हमारे तक नहीं पहुंच पाती कि हम पहचान नहीं कर पा रहे। अभी वही वही सेगमेंट शायद आप लेके चल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अब आप मिनरल्स से ही ताल्लुक कर लेते हैं इसको भी, कि हमारे मिनरल्स भी मेडिसिन में यूज होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 7-8 तरह की हमने किट बनाई, मिनरल्स यूज इन डिफरेंट हेल्थ एंड मेडिसिन करके, मिनरल्स यूज इन हेल्थ एंड मेडिसिन, हमारे आम जीवन में भी मिनरल्स मेडिसिन के तौर पे यूज कर रहे हैं। जैसे किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसके लिए प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर भी एक जिप्सम प्रकार के मिनरल से ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार गंधक होती है, अपनी जो ये खुजली वगैरह होती है उसकी दवाइयाँ जो बनती है, एलर्जी की दवाइयाँ बनती है, वो इससे बनती है, सल्फर से। कुछ लोग कहते हैं कि गर्म पानी के चश्मे से वहाँ एलर्जी ठीक होती है, तो उसमें मिनरल्स की वो हाई क्वालिटी है? बिल्कुल, उसमें भी एक मिनरल सल्फर जो होता है वो गर्म पानी के कॉन्टेक्ट में आने से सल्फर गर्म कर देता है पानी को, तो वो मिनरल से पानी गर्म हो जाता है। हरियाणा में भी सोहना में एक चश्मा बना रहे हैं, उसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स की जो है गंधक का जो है वो फॉर्मेशन होती है। अब जैसे बद्रीनाथ जी जाए या अपने इधर शिमला में जाएं, मनाली में जाएं, हर जगह पानी के चश्मे हैं, वो गंधक के चश्मे हैं, उसके अंदर पीले ये जो पीली फॉर्मेशन है गंधक की, ये गंधक पाई जाती है। अभी मैं आपको कहूँ कि अबरक होती है, एक माइका होती है, उसकी शीट आप वहाँ पे देखेंगे, वो अबरक की शीट्स पड़ी हैं ब्लैक कलर की और व्हाइट कलर की,
वो भी अभी अभ्रक भस्म एक दवाई बनती है, उसमें बुखार के लिए प्रयोग की जाती है आयुर्वेदिक दवाओं में, तो वो भी एक मिनरल ही है जो उसे यूज कर रहे हैं। देखिए इनका कहीं ना कहीं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता है, लेकिन आम लोग इसको क्या है कि एक आध्यात्मिकता के तौर पर जो इसके कनेक्टिविटी करके देखते हैं, क्योंकि हम पानी के नहाने से समय से वहाँ से धर्म होता है या वो होता है, लेकिन असली अगर है में जाए तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही है कि उसमें गंधक के पानी के साथ कॉन्टेक्ट होने से गंधक के कण जो पानी में आ जाते हैं वो पानी गर्म हो जाता है और वो अपनी हमारे जो चर्म रोग है उनको दूर करता है। मैं अमित साइंटिफिक ट्रेडर्स, हमारी फर्म है अंबाला कैंट में एग्जिस्ट करती है, मैं उसका प्रोप्राइटर हूँ और ये हमारी फर्म का एड्रेस साइंस मार्केट हरगोलाल धर्मशाला अंबाला कैंट है। और हमारे पास कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट कभी भी आके हमारी इंडस्ट्री में, हमारी फैक्ट्री में आके विजिट कर सकता है, उसको हम पूरी नॉलेज देते हैं। जगह जगह से हमारे पास जियोलॉजिस्ट आते हैं, वो हमारे से पत्थरों के कलेक्शंस लेके जाते हैं स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराने के लिए। तो मैं यही मैसेज यहाँ पे देना चाहता हूँ कि हमारे को कोई भी स्टडी कराई जाए, स्टूडेंट्स को 6-7 से स्टडी कराई जाए, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज साथ साथ दी जाए। अभी मैं यहाँ पे आपको देखो एक बाउल लेके बैठा हूँ, इसमें भी मैं एक प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। आप छोटे बच्चे को मैथोलॉजी सिखाना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि नल और नील हमारे रामायण में हुए थे, उन्होंने राम लिखा था और ऐसे पुल बनाया था, तो उनको अगर ये चीज कॉन्सेप्ट अगर उनको ये क्लियर कर दिया जाए तो उनको ये चीज भी मालूम हो जाएगी। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप हमारे मन में धारणा होती है कि पत्थर स्ट्रोंग होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ पत्थर फ्लेक्सिबल फ्लोट भी कर सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। देखिए सर, ये पत्थर फ्लेक्सिबल भी हो रहा है, कि स्टोन में भी फ्लेक्सिबल और में भी फ्लोटिंग। ये पत्थर नॉर्मली कहाँ मिलता है आपको? ये सर हरियाणा में ही अवेलेबल है, और इसके अलावा पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी। मेरे को जो नॉलेज है, मेरी नॉलेज यहीं तक है कि मैं हरियाणा में इसके चरखी दादरी में कालियाना गांव है वहाँ पे इसका पहाड़ पाया जाता है, वहाँ पे ये पत्थर निकल रहा है। क्या इसके आपने कुछ और रिसर्च भी हुई है क्या? नहीं, अभी रिसर्च कोई नहीं हुई है, इसका यूज कोई नहीं हुआ है। यही अगर हम स्टूडेंट्स के लिए स्टडी के लिए इन चीजों को प्रोवाइड कराएं तभी आगे फर्दर इसकी रिसर्च होगी, फर्दर तभी इसके यूसेज पता लगेंगे। इसके अलावा वहाँ पर एक लचीला पत्थर भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसका लचीलापन देख कर लोग दंग रह जाते हैं। यह पत्थर भी हरियाणा के चरखी दादरी इलाके में ही पाया जाता है। इन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर चैल को पाइराइट नाम का पत्थर भी है, जिससे सोने और तांबे के कण निकाले जाते हैं। कंपनी ने विभिन्न प्रकार के पत्थरों, खनिजों आदि से विद्यार्थी को रूबरू करवाने के लिए किट तैयार की है, जो उचित मूल्य पर शिक्षण संस्थाओं में मुहैया कराई जाती है।